नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है स्मोकी फ्लेवर बेल का शरबत। नॉर्मली हम बेल का शरबत तो बनाते हैं, पर इसको कच्चा ही इसका शरबत बनाते हैं, पर आज मैंने इसे स्मोकी फ्लेवर दिया है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। गाँव में ये रेसिपी बनाना तो बहुत आसान है, जहाँ पर चूल्हे हैं, चूल्हे पर खाना बनता है, तो चूल्हे में आप इसे भूनिए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पर मैंने इसे गैस पे भून करके बनाया है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान हो जाता है। गूदा बहुत ही आसानी से निकल आता है बेल का। तो चलिए देखते हैं स्मोकी फ्लेवर बेल का शरबत मैंने किस तरीके से बनाया है। स्मोकी फ्लेवर बेल का शरबत बनाने के लिए ये देखिए मैंने बेल लिया हुआ। अगर हम इसे डायरेक्ट भूनेंगे तो ये हो सकता है कि जब हम भूनते हैं, मैंने इसे भूना हुआ पहले भी शरबत बनाया हुआ, तो क्या होता है कभी एकदम से फूटता है ये, तो जो अंदर का गूदा होता है वो एकदम से गर्म होकर के बाहर आता है, तो आपके ऊपर लग भी सकता है। तो आप इसे ऐसा कर सकते हो कि पहले थोड़ा सा टचका सकते हो, क्रैक कर सकते हो हल्का सा, ताकि जो गैस होती है जब हम इसे पकाते हैं तो ये ऊपर से एकदम फट के बाहर ना आए। तो जो लोग चूल्हे में भून सकते हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, धीमी आंच पे भुनेगा, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आप इसको टचका लें, हल्का सा क्रैक कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा क्रैक करूंगी इस तरह से। ये देखिए, आप देख सकते हो कि ये जो बेल है हल्का सा क्रैक हो चुका है। तो इससे ये होगा कि जब अच्छे से गर्म हो जाएगा पूरी तरह से, तो ये गर्म होके जो गूदा है ऊपर आपके ऊपर नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए गैस ऑन कर दी है और इसके ऊपर मैंने एक जाली रखी है ताकि अच्छे से इसे घुमा घुमा के सेक सकूं। ये देखिए मैंने इसे रख दिया है गैस के बर्नर पे, और इसे सावधानी से आप इसे घुमा घुमा के, या तो आप इसे ऐसे कर सकते हो जैसे ये क्रैक हुआ है, तो इस तरह से चाकू से आप अंदर डालो और हल्के हाथ से ऐसे घुमा घुमा करके पूरी तरफ से अच्छे से हमें इसे भून लेना है। और भुने हुए बेल का शरबत बहुत ही टेस्टी लगता है। तब हम इसी तरह से इसे भून लेंगे सभी तरफ से घुमा घुमा कर। ये देखिए कि बेल कितने अच्छे से भून रहा है, और सभी तरफ से इसी तरह से घुमा घुमा के मैं बेल को अच्छे से भून लूं कि आप देख सकते हो इसका कलर कितने अच्छे से भून रहा है। एक साइड से अभी ये बाकी है, तो बस ये पूरी तरह से मैं भून लेती हूँ, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। देखिए बेल अच्छे से भून चुका है और मैंने सभी तरफ से अच्छे से घुमा घुमा के अच्छे से सेक लिया, और आप देख सकते हो इसका गूदा बहुत ही अच्छे से पक गया है। तो मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसे उठा के रख देती हूँ और पूरी तरह से इसे ठंडा होने देंगे। बेल का शरबत बनाने के लिए ये देखिए बेल को मैंने भुना था, अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो मैं इसे खोलूंगी क्योंकि आसानी से निकल जाएगा, और इसका गूदा मैं एक बर्तन में निकालूंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये भुन चुका है, ये देखिए, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं एक बाउल में इसका गूदा निकालते जाती हूँ। ये देखिए अच्छा सॉफ्ट भी हो जाता है ये भुनने से। ये देखिए मैंने एक बाउल ले लिया और उसमें ये डाल देती हूँ। आप इसे आप अगर आपने बनाया होगा कच्चे बेल का शरबत तो आप देखोगे, और भूनने के बाद आप देखिए देखिए कितने आसानी से इसका गूदा निकल रहा है। अच्छा सॉफ्ट हो गया तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसी तरह मैं गूदा निकाल लेती हूँ। ये देखिए बेल जो मैंने भुना हुआ था और उसका पल्प गूदा अच्छे से निकाल लिया। ये देखिए बहुत ही अच्छे से निकल चुका है, ये देख सकते हो आप, ये सारा गूदा मैंने निकाल लिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे अच्छे से फेंटूंगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि मिक्स तो अच्छे से हो चुका है क्योंकि सॉफ्ट बहुत हुआ है भूनने से। तो अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें जो बीजे हैं उसके बाद मैं इसे छानूंगी, इस पल्प को अच्छे से छान लूँगी। ये देखिए पल्प में मैं पानी डाल देती हूँ ताकि अच्छे से स्मूथ हो जाए ये, और इसके बीजे हमें हटानी है इसलिए मुझे इसे छानना होगा। तो पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये देख सकते हो आप अच्छे से मिक्स हो रहा है। ये देखिए मैंने पानी मिक्स कर दिया ताकि अच्छे से ये छन जाए, स्मूथ हो जाए बटर। और मैंने एक बाउल में, देखिए एक बाउल में ये छन्नी ले ली है, और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये पल्प
बेल का गूदा डालती जाऊंगी और नीचे से अच्छे से ये देखिए इसे ये छनता जाएगा। ताकि इसमें जो बीजे हैं, इसका गूदा है, रेशे हैं, वो सब जाली में आ जाए और नीचे स्मूथ इसका ये चिकना गूदा निकल जाए, जिससे हम अच्छे से शरबत बना सकते हैं। ये देखिए इसके ये बीज। ये देखिए ये गूदा आप देख सकते हो। ये देखिए कितना स्मूथ निकल आया है ये। तो इसी तरह से मैं इसे अच्छे से प्रेस करते जाती हूँ ताकि ये देखिए ये बीजे रेशे सब ऊपर रह जाएंगे। ये देखिए भुने हुए बेल का जो ये गूदा है इसे मैंने अच्छे से छान लिया और आप देख सकते हो कि बहुत ही कम इसमें रेशे निकले, क्योंकि भूनने से ये होता है कि गूदा सॉफ्ट हो जाता है। और ये देखिए हमें कितने अच्छे से बहुत सारा गूदा मिला है और आप देख सकते थे कि बहुत ही बड़ा वो बेल था और भूनने के बाद में काफ़ी अच्छा गूदा निकला। अगर वही हम कच्चे से निकालते तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हाथों से दबाना पड़ता है, मैश करना पड़ता है, तब जाके हमें गूदा मिलता है। लेकिन भूनने से सॉफ्ट हो गया, बहुत अच्छा गूदा तैयार हो गया। तो हम अब ये बेल का जो गूदा है वो तो तैयार हो चुका है, तो अब मैं ये क्या कर रही हूँ कि इसका पूरा शरबत नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे फ्रिज में रखना है। आपको जब मन चाहे आप इसका शरबत बना करके पी सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में ये 15 से 20 दिन तक आराम से रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। तो अब ये गूदा तैयार है तो मैं इसका शरबत बनाती हूँ। स्मोकी फ्लेवर बेल का शरबत बनाने के लिए ये देखिए हमारा पर्प भी तैयार है भुना हुआ, और यहाँ 2 ग्लास में मैंने ठंडा पानी लिया हुआ है। चाहे तो फ्रिज का ले सकते हो या मटके का भी पानी ले सकते हो, ये हमारे हेल्थ के लिए मटके का पानी भी बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर मैंने आइस क्यूब भी लिए हुए हैं, अगर आपको पसंद है तो आप आइस क्यूब डाल सकते हो। और एक बेल का शरबत मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि बेल बहुत ही मीठा है। अगर आप चीनी नहीं लेते हो तो ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसमें मैं सिर्फ पल्प डाल के सिंपल शरबत बनाऊंगी, ये हमारे लिए बहुत ही हेल्थी शरबत है। और दूसरे में मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ। ये बिल्कुल सादा नमक लिया हुआ है और ये लगभग 1 छोटा चम्मच जीरा, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया और उसके बाद इसे पीस लिया है। और ये 1 छोटा चम्मच काला नमक लिया हुआ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने चीनी ली हुई है, तो चीनी अगर बेल थोड़ा सा फीका है, ज़्यादा मीठा नहीं है, तो आप उस हिसाब से चीनी डाल सकते हो। तो शुरू करते हैं शरबत बनाना। तो ये पल्प ये देखिए आप देख सकते हो कितना स्मूथ है ये पल्प हमारा, ये जो बेल का ये पल्प है गूदा है, ये बहुत ही अच्छे से भूनने के बाद बहुत ही अच्छे से टेस्ट भी आता है और ये पल्प बहुत अच्छे से निकल आता है। ये देखिए ये डाल देती हूँ और ये आपको जितना पसंद है, तो मैं ये इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ और अच्छे से घोल देती हूँ। ये देखिए और ये बहुत अच्छा चिकना है, तो ये देखिए कितने आसानी से घुल गया। और इसका आप कलर देख सकते हो, बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। ये देखिए 1 ग्लास बिल्कुल सिंपल शरबत बनाया है, इसमें चीनी नहीं डाली, बिल्कुल नेचुरल है ये और ये बहुत ही हेल्दी है। तो मैं 2 ग्लास तैयार करूँगी, तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक और थोड़ा सा ये भुना हुआ जीरा और चीनी जितनी आपको पसंद है। तो ये मैं 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ क्योंकि ये पीसी हुई है। और पहले मैं इसे घोल लेती हूँ, अच्छे से मिक्स हो गया है। तो मैं इसमें ये बेल का पल्प डालूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए दोनों ही तरीके से शरबत तैयार हो चुके हैं, एक बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही हेल्दी है, दूसरे में मैंने कुछ मसाले डाले जिससे वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब मैं इसमें आइस क्यूब डाल देती हूँ, आपको जितने आइस क्यूब ये ठंडा पसंद हो उतना आप डाल सकते हो। ये देखिए मैंने 3 डाल दिए हैं, दोनों में डाल देती हूँ। और बेल का स्मोकी फ्लेवर शरबत पीने के लिए तैयार है, अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ।
ठंडा ठंडा कूल कूल स्मोकी फ्लेवर बेल का शरबत तैयार है पीने के लिए। और आपने देखा कि ये शरबत बनाना कितना आसान है। नॉर्मली हम बेल का शरबत तो बनाते हैं, आप इस स्मोकी फ्लेवर बेल के शरबत की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और बनाने के बाद बताना भी मत भूलिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।